जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिंग बारे जागरूकता फैलाउने उद्देश्यका साथ उत्तराखण्ड ऋषिकेशबाट साइकल यात्रा सुरु गरेका 39 वर्षीय एथलिट तथा पर्वतारोही चञ्चल सिंह कन्वर सिक्किम आइपुगेका छन्। आफ्नो सन्देश सहित 22 राज्यमा 15,700 किलोमिटरको यात्रा पूरा गरेका चञ्चल सिंह कन्वरले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित अहिले नै सचेत नरहे भविष्य कसैको निम्ति पनि सुरक्षित नहुने बताएका छन्। सोलो साइकिलिंग जर्नी और ऋषिकेश उत्तराखंड से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी एंड द पर्पस वाज टू विजिट ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री एंड द यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट अंडमान एंड लक्षद्वीप बिकॉज वी हैव टू टेक नो शिप टू रीच देयर एंड इट कॉस्ट अ लॉट एंड द टोटल डिस्टेंस जो कि उस टाइम पे कैलकुलेट किया था तो इट वॉज अराउंड मोर देन 20,000 किलोमीटर्स एंड मैंने सोचा था कि शायद मुझे 6 महीने लगेंगे इस टोटल जर्नी को ख़त्म करने के लिए, तो आज आई थिंक 4 महीने 20 दिन हो गए एंड 15,600-700 किलोमीटर्स की जर्नी पूरी हो चुकी है एंड टुडे आई रीच सिक्किम। एंड इस जर्नी के पीछे एक पर्पस है, एक मैसेज है जो कि मैं ऑल अक्रॉस इंडिया सारे लोगों में स्प्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक माउंटेनियर हूँ। तो इन द ईयर लाइक जो एक पिछले साल मई की स्टार्टिंग में मैं 4 पीक्स अल्पाइन स्टाइल में स्केल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर मतलब कि इंडिसेंट रेंज हुई स्नोफॉल हुआ जो कि उस टाइम पे सीज़न नहीं, बिकॉज वी आर माउंटेनियर्स एंड वी अंडरस्टैंड कि अप्रैल के बाद सीज़न खुल जाते हैं एंड द अमाउंट ऑफ जो एक जो ग्लेशियर्स जिस तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है, तो आई थॉट कि उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज का उतना मेरे को जानकारी नहीं था, बट आई मीन मैं आया नीचे आया और वो एक्सप्लेनेशन इट वुड हैपन बिकॉज लाइक माई टेंट, मेरे जो टेंट थे वो मैंने थर्ड पार्टी से लिया था तो उसमें 6 थे, तो 2 दिन हम लोग से टेंट में से पानी बाहर निकाल रहे थे, सो इट वॉज अ फील्ड एक्सपीडिशन वी केम डाउन। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग माई रिसर्च इन क्लाइमेट चेंज नाउ, देन आई केम टू नो अबाउट द वे this globe is warming, so I thought I should take this message across all over the country and meet especially students and from schools and like universities and colleges, because what I believe is we all will die one day and we all will have a okay kind of death, but the generations which are going to come they are going to have a very devastating life. इन अनदर एक 40 साल के बाद ग्लोब का टेम्परेचर 2 डिग्रीज हो जाने वाला है, अभी एट प्रेजेंट इट इज 1.3 डिग्रीज। जस्ट इमेजिन आप जब रोड में खड़े रहते हैं, धूप होती है, आपके पास एक कार है, आपने कार के शीशे ऊपर करे हैं और आपने अपना एसी ऑफ कर दिया है, तो उस टाइम पर जो हीट है वो हमको 40 साल के बाद ओपन रोड पर एक्सपीरियंस होगा। सो दैट्स द मतलब जो एक डिस्ट्रक्शन होने वाला है लाइक उस तरीके। सो आई थॉट कि आई विल मेक स्टूडेंट एंड आई मेक दम कि हम अपने एंड पे क्या चेंज ला सकते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो इंसानों का करदर है, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतों को हम पूरी करने के लिए जिस तरीके से चीज़ों की ओर जा रहे हैं तो उस चीज़ में हमको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मिनिमल होना पड़ेगा। तो ये चीज़ था, तो देन आई स्टार्टेड फ्रॉम ऋषिकेश, आई वेंट अप टूवर्ड्स हिमाचल, then to Ladakh, Jammu Kashmir and all, then came down to Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra and all the way down to Kanyakumari, Rameshwaram. From there towards I came towards Bangalore and Andhra, Telangana and Orissa and abhi northeast all states of this northeast have been covered and Yakri state in northeast. And then from here I'll head towards Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, MP, UP and somewhere in Delhi or back in Uttarakhand I think I will finish my lesson. So, teen cheeze hai. Ek toh people should understand the importance of tree plantation. Individual tree plant nahi karna hai hum log ne ek jungle create karna hai. Ek Japanese ek professor hai Akira Miyaoki karke. उन्होंने एक जो तरीका एक टेक्निक निकाली है, तो एक छोटे से एक लैंड में भी हम एक जंगल क्रिएट कर सकते हैं।
बट आज के दिन हमको जो जो जंगल क्यों चाहिए, जो ट्रीज और जो जंगल का जो इकोसिस्टम है वो हमारे एटमॉस्फेयर में से 30% का जो कार्बन है वो ऑब्जॉर्ब करता है. इफ यू आर जस्ट प्लांटिंग इंडिविजुअल ट्रीज ऑन द हाईवेज, ऑन द रोड साइड, इन योर पार्क्स एंड ऑल, एंड इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग जंगल्स, तो इकोसिस्टम क्रिएट नहीं होता. सो टिल द टाइम, मतलब जो जंगल जैसा जो एनवायरनमेंट है अगर वो क्रिएट ना हो तो जो कार्बन का जो अब्जॉर्प्शन है वो उतना ज्यादा नहीं होगा. तो प्लांट ट्रीज, क्रिएट जंगल्स. और गवर्नमेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक रेगुलेटरी लेके आए जहां पर आज के दिन हमारे पास हर मेडिकल इश्यू का एक इंश्योरेंस है, राइट? हम जब हमारे जो परिवार में अगर एक बच्चा पैदा होता है तो एक रेगुलेटरी हो कि आप उस बच्चे के नाम का पेड़ आपने मतलब कि वो मतलब प्लांट करना है. 16 बच्चे पैदा होते हैं एक सेकेंड में. जस्ट इमेजिन अगर ये रेगुलेटरी आ जाती है, हमने हर घर तिरंगा बोला, हर किसी ने घर के आगे तिरंगा लगा दिया. अगर हम कहें हर घर बच्चा और हर घर हरियाली, और तो उसमें एक सेकेंड में 16 पेड़ आप लगाएंगे. सोचिए एक मिनट में आप कितने लगाएंगे, एक घंटे में कितने लगाएंगे, एक दिन में कितने लगाएंगे और एक साल में कितने लगाएंगे. द टाइम एग्रीकल्चर जो एक जो रेवोल्यूशन जब से आया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से आया है, ट्रीज का और जो ग्लोब का जो वार्मिंग जो हम लोगों ने जिस तरीके से जो पोल्यूशन क्रिएट किया है, आप एवरी डे पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं. लेकिन जो ट्रीज और जंगल जो है वो हम हर मतलब टाइम पे जब भी हम नया कुछ लेके आते हैं तो हम वो काटते जा रहे हैं. तो आई थिंक इस तरीके से जब हम हर बच्चे के नाम का एक पेड़ लगाएंगे तो उस तरीके से जो एक गैप है जो पोल्यूशन का जो ट्रीज का है वो कम होगा. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थ्रू दिस मीडियम, थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टेट की गवर्नमेंट के पास भी अगर ये मतलब एक मैसेज आता है तो आई थिंक. भर्ना खुलिरहेछ एकलव्य इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टमा. वर्ष 2023-24 लागि भर्ना खुलिरहेछ. 100% रोजगारको ग्यारेन्टीसँगै ट्राभल टुरिज्म र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा 18 महिनाको डिप्लोमा कोर्स अनि कल्नेरी आर्ट्स, फुड एन्ड बेभरेज सर्भिस, फ्रन्ट अफिस अपरेसन्स, हाउसकिपिङ अपरेसन्समा 6 महिनाको सर्टिफिकेट कोर्सहरू गर्न सक्नुहुनेछ. फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट, अनुभवी र योग्य शिक्षकहरू, 10 र 12 क्लास सकेका इच्छुक विद्यार्थीहरूले आवेदन गर्न सक्नेछन्. समर ब्याच मार्च 2023 मार्च 2024 हुनेछ. विन्टर ब्याच अगस्त 2023 सेप्टेम्बर 2024 हुनेछ. थप जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9735017877, 9434222507.